हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्हाट्सएप के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में आपको बोलने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और हम लोगों को पता नहीं थे। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग को व्हाट्सएप ऐप में जाना होगा। तो दोस्तों, कभी कभी होता है हम लोग को अपना मैसेज बोल्ड इटैलिक या कभी और लेटर्स में लिखने का मन होता है, तो तभी क्या करेंगे, हम स्टार प्रेस करेंगे, उसके बाद अपना मैसेज टाइप करेंगे, फिर से स्टार प्रेस करेंगे और वो बोल बन जाता है। कभी कभी हम लोग को अपना मैसेज एक अलग स्टाइल के लिए मिडिल में कटा हुआ चाहिए, तो उसके लिए आप ये साइन यूज़ कीजिए, उसके बाद अपना मैसेज टाइप कीजिए और फिर से वो साइन टाइप कर दीजिए और सेंड कर दीजिए, वो टाइप हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को कोई इटैलिक में चाहिए तो आप उसको अंडरस्कोर के बाद अपना मैसेज लिखिए और उस फिर से अंडरस्कोर करके उसको सेंड कर दीजिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप में आया हुआ मैसेज हम लोग रिप्लाई करना भूल जाते हैं, जो पर्टिकुलर हम लोगों के लिए आता है। तो इन दैट केस दोस्तों, आप उस मैसेज पर्टिकुलर में जाएंगे, उसके बाद ये रिप्लाई बटन में जाएंगे, उसके बाद आपका रिप्लाई टाइप कर दीजिए, तो वो पर्टिकुलर उस मैसेज का रिप्लाई बन जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ग्रुप में हम लोग कोई एक वीडियो हो, पोस्ट हो, मैसेज हो, दे देते हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता वो किस किस ने देखा है या किस किस ने नहीं देखा, किसको डिलीवर्ड हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों, आप पहले उस मैसेज पे जाइए, उसके बाद आप एक काम कीजिए, उसको पर्टिकुलरली देख लीजिए, उस मैसेज को एक बार प्रेस कीजिए, उसके बाद जो ऊपर आए ये इन्फॉर्मेशन आता है आप उसमें क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको दिख जाएगा, ये देखिए सिन्बा है, ये इन लोगों ने देख लिया है। मतलब और एक मैसेज में दिखाती हूँ, ये देखिए आप लोग, ये सिन्बा है जिन्होंने देखा है और ये डिलीवर्ड है इन लोगों, मतलब इन लोगों को डिलीवर्ड तो हुआ है बट उन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। दोस्तों, कभी कभी हम लोगों के पास ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाता है जो हम लोगों को यूज़ करना होता है या कभी भी मतलब चाहिए होता है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं पता कहाँ गया क्या है। तो उसके लिए आप पर्टिकुलर उस मैसेज पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे एक ऊपर ये स्टार्ट का वो आया, तो ये स्टार्ट कीजिए और ये मैसेज खुद ब खुद आपका स्टार्ट मैसेज में चला जाएगा। तो बाद में आप इस मैसेज को देख के इसको यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे आप किसी को सेंड कर सकते हो, देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो या डिलीट मार सकते हो। दोस्तों, कभी कभी हम लोगों को क्या होता है, अपना मैसेज मतलब अपना टाइमिंग नहीं दिखाना होता कि हम लोग किस टाइम पे ऑनलाइन हुए थे, किस टाइम पे ऑफलाइन हुए हैं, ये सब वो सब। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले तो सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद अकाउंट्स में जाइए, उसके बाद प्राइवेसी सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद आप लोग लास्ट सीन के ऑप्शन में जाइए। आपको जैसा चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए एवरीवन सब कोई देखे या कोई भी ना देखे, नो वरी, तो आप लोग जो भी चाहिए आप लोग वहाँ मतलब वो कर। दोस्तों, कभी कभी होता है हम लोगों को कोई एक मैसेज आ जाता है जिसको हम लोगों को रिप्लाई करना होता है, लेकिन व्हाट्सएप खोलने का हम लोगों के पास टाइम नहीं होता या ऐसा होता है टाइम कम हो जाता है, तो इन दैट केस आप लोग उसको पॉपअप नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, जिसके द्वारा आप उस मैसेज का जब भी कोई मैसेज आए आप उसको बिना खोले ही रिप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन में जाना होगा, उसके बाद आपका जो पॉपअप नोटिफिकेशन आप लोगों ने यहाँ देखा उस पर करना होगा। आप लोगों को अगर चाहिए उसको ऑफलाइन करना, ऑनलाइन करना या नो पॉपअप करना या ऑल द टाइम पॉपअप करना, तो आप उसको उस हिसाब से कर सकते हो। दोस्तों, आजकल क्या होता है, GIF इमेज होता है जो आप लोगों को भेजना होता है, आता है तो हमें भी भेजना होता है, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना होगा, पहले तो आप उस अटैचमेंट में जाइएगा जिसको आपको सेंड करना है, उसके अटैचमेंट में जाइएगा, उसके बाद आप यहाँ से गैलरी ओपन कर लीजिए। गैलरी ओपन करने के बाद आप वीडियो में जाइए और यहाँ से आपको जो भी वीडियो GIF करना है उसको पहले आप ओपन कीजिए। उसके बाद एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि GIF में हमेशा 6 सेकंड से ऊपर नहीं होता है, तो आप 6 सेकंड से उसको बिलो ही रखना होगा या 6 सेकंड मैक्सिमम रख सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो आपको टाइप करना होता है आप उसको टाइप करके उसको पर्टिकुलर भेज सकते हो जिसको आपको भेजना होता है, या ग्रुप में भी आप उसको भेज सकते हो। दोस्तों,
आप लोगों को शायद पता नहीं है कि हम इमेज भी एडिट करके व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग पहले तो जहाँ पे भेजना होता है वहाँ पे लिखिए, और उसके बाद वहाँ पे आप अटैचमेंट में जाइए, उसके बाद आप इमेज ओपन कर दिए। ओपन इमेज को आप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, और भी ऑप्शन है, अपडेटेड वर्जन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो, तो क्रॉप भी करके आप पर्टिकुलर उसको भेज सकते हो। तो दोस्तों ये था आपके लिए यूज़फुल कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आगे भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स लाते रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।